हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एस सेवगले और हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन के विषय में, जिसको कि अमायोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस या फिर शॉर्ट में ALS ऐसे भी कहा जाता है, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है कि पेशीशोषी पार्श्व काठिन्य। एक्चुअली हिंदी में इसका नाम कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब है, ये नाम प्रचलन में ज़्यादा नहीं है, हम ज़्यादातर इसको ALS ऐसे ही कहते हैं। अमायोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस या फिर ALS किस वजह से होता है, उसके कारण, लक्षण, उपाय, इसके विषय में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर आपको ALS या फिर अमायोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस के पेशेंट के बारे में अगर जानना हो, तो सबसे बेस्ट उपाय है इसके विषय में आप सभी को, तो स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा, बहुत से लोगों ने उनकी फ़ोटो या फिर इंटरव्यू भी देखे होंगे। तो उनकी जो एक मेडिकल कंडीशन थी, जहाँ पर कि उस पेशेंट को लगातार एक कुर्सी पर ही बैठने पड़ता है, ये वो पेशेंट एक तरह से एक पैरालिसिस का अनुभव करता है, वो व्यक्ति ठीक से अपनी गर्दन या फिर अपने हाथ पैर ठीक से नहीं हिला पाता। तो अगर आपने इससे पहले कभी डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस के वीडियोज़ या फिर उनके फ़ोटोज़ देखे होंगे, तो आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि अमायोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस किसे कहते हैं या फिर ALS किसे कहते हैं। ठीक, अगर इसको शॉर्ट में कहे तो अमायोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस या फिर ALS के वजह से जो भी हमारे मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने वाली जो नर्व्स होती है, जो कि मोटर नर्व्स जिनको कहते हैं, वो मोटर नर्व्स इस ALS बीमारी की वजह से ख़राब हो जाती है। अब जबकि इस बीमारी की वजह से मोटर नर्व्स ही अफेक्ट होते हैं, तो इसलिए इस बीमारी को मोटर न्यूरॉन डिसीज ऐसे भी कहा जाता है। और किसी भी व्यक्ति को अगर इस तरह से ALS की बीमारी हो जाए, मतलब कि अमायोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस अगर हो जाता है, तो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल या फिर 5 साल, 3 से 5 साल तक वो व्यक्ति जीवित रह सकता है। उसके बाद उस व्यक्ति का जीवित रहना लगभग नामुमकिन है। और जो हमने शुरू में बात की डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस के विषय में, वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे कि जिनको उनके उम्र के लगभग 20-21 साल के जब वो थे, तब वो उनको इस बीमारी का अटैक हुआ था और उसके बाद भी कई सालों तक वो जीवित रहे। अब बात करते हैं कि ALS या फिर अमायोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस किस वजह से होता है, इसके विषय में सबसे पहली बात यहाँ पर यह समझनी है कि ALS या फिर अमायोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस इस बीमारी को होने के लिए कोई भी पर्टिकुलर कारण की आवश्यकता नहीं होती, या फिर अलग शब्दों में ये कह सकते हैं कि इस बीमारी के कारण को आज तक रिसर्चर्स या फिर साइंटिस्ट भी समझ नहीं पाए हैं। कुछ इन्वायरमेंटल या फिर जेनेटिक कारणों के वजह से ये बीमारी हो सकती है ऐसे माना जाता है। अगर फॉर एग्जांपल बात करें तो किसी व्यक्ति के फैमिली में अगर इस बीमारी की ALS की अगर फैमिली हिस्ट्री है, तो उस पर्टिकुलर फैमिली में आगे जा कर के भी किसी को ये बीमारी, मतलब ALS की बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसको तो हम जेनेटिक फैक्टर बोल सकते हैं, लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। इस तरह से जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से ALS की बीमारी हो सकती है ऐसे माना जाता है, लेकिन इसका एक्चुअल और परफेक्ट रीज़न किसी को भी नहीं पता है। तो अब बात करते हैं कि ALS या फिर अमायोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस इस बीमारी में लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं इसके विषय में। तो सबसे पहले तो हमने शुरू में जैसे बात की कि ये बीमारी उस व्यक्ति के मोटर न्यूरॉन्स को, मोटर नर्व्स को अफेक्ट करती है, डैमेज करती है। इसकी वजह से उस व्यक्ति के जो मसल्स होते हैं और मसल्स की जो मूवमेंट होती है, उसके ऊपर सबसे बुरा असर दिखाई देता है। जैसे कि वो व्यक्ति ठीक से अपने हाथ पैरों की मूवमेंट नहीं कर पाता, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से उस व्यक्ति को एक पैरालिसिस हो जाता है। व्यक्ति का चेहरा टेढ़ा हो सकता है, या फिर उस व्यक्ति का सलाइवेशन, एक्सेस सलाइवेशन होना, या फिर सलाइवेशन के ऊपर कोई कंट्रोल ना रहना। उस व्यक्ति के कभी कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड बॉडी मूवमेंट्स भी हो सकते हैं, जो कि उस व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं होते। जो भी हमारे ब्रेन के मोटर फंक्शंस हैं, मतलब मोटर नर्व के द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले जो भी फंक्शंस हमारे ह्यूमन बॉडी में होते हैं, उनमें से कोई भी फंक्शन पे उस व्यक्ति का कंट्रोल नहीं रहता। इसके बाद उस व्यक्ति को लगातार थकावट महसूस होना, शरीर में दर्द महसूस होना, ये भी लक्षण इसके अंदर देखे जाते हैं। इसी के साथ साथ ALS की बीमारी के जो लेटर स्टेजेस होते हैं, आखिरी कुछ स्टेजेस में उस पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, वो व्यक्ति ठीक से सांस भी नहीं ले पाता, तो उस सिचुएशन में उस व्यक्ति को ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है। और लगातार ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देने के वजह से लेटर स्टेजेस में इस तरह के पेशेंट्स की जो ट्रीटमेंट होती है, उस ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और आगे जाकर के बहुत से पेशेंट को वेंटिलेटर की भी ज़रूरत इसमें पड़ सकती है। और इनमें से ज़्यादातर पेशेंट्स की इसी कारण के वजह से, मतलब कि सांस लेने में जो दिक्कत होती है, जो कि रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनको पैरालिसिस होने की वजह से, इसमें से ज़्यादातर लोगों की मौत हो जाती है या फिर डेथ हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि ALS इस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए टेस्ट कौन से किए जाते हैं इसके विषय में। तो इसके अंदर जो सबसे पहला टेस्ट किया जाता है वो होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जिसको कि शॉर्ट में EMG ऐसे भी कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरा टेस्ट होता है वो होता है नर्व कंडक्शन स्टडी।
जिसको कि शॉर्ट में NCS ऐसे भी कहा जाता है। और इसके बाद उस व्यक्ति के ब्रेन का MRI स्कैन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ उस व्यक्ति में अगर कोई पर्टिकुलर इंडिकेशन है तो इसके साथ और भी कोई ब्लड टेस्ट या फिर और भी कोई इमेजिंग टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे अमायोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट के विषय में या फिर उसके उपचार के विषय में। तो सबसे पहली बात कि इस बीमारी के ऊपर कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी इसकी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। जो भी इसके लिए ट्रीटमेंट की जाती है वो सिर्फ एक सपोर्टिव या फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है। जो भी ट्रीटमेंट दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि ताकि उस पेशेंट में ALS की बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नुकसान ना करे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से उस व्यक्ति के अंदर न्यूरॉन्स को डैमेज ना हो और उस व्यक्ति का लाइफ स्पैन कुछ बढ़ सके। दो ड्रग्स है जिनको कि यूज़ करने के लिए इस कंडीशन में या फिर ALS की बीमारी में यूज़ करने के लिए अप्रूवल है। तो उसमें से जो पहला ड्रग है वो होता है रिल्यूजोल, जो कि 1995 में खोजा गया था। तब से इस ड्रग को इस बीमारी में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा ड्रग है उसको कि 2017 में खोजा गया था, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। और इस दूसरे ड्रग का नाम है रेडिकावा। तो ये दोनों ड्रग्स भी यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं इस डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद उस व्यक्ति को एक सोशल और इमोशनल सपोर्ट भी देना है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है वो व्यक्ति बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है। तो ऐसे पेशेंट को सभी लोगों के एक इमोशनल सपोर्ट की या फिर सोशल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस तरह के पेशेंट को सोशल और इमोशनल सपोर्ट भी दिया जाना चाहिए। इसके बाद इस तरह के पेशेंट को फिजिकल थेरेपी, न्यूट्रिशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ब्रीदिंग थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये कुछ थेरेपीज़ है जो इस तरह के पेशेंट में यूज़ की जा सकती है। तो आज हमने इस वीडियो में शॉर्ट में बात की अमायोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस या फिर हिंदी में पेशीशोषी पार्श्वकाठिन्य इसके विषय में। अगर आपके इस ALS इस बीमारी के विषय में कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स को आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।